करीब पेश आया। पुलिस को डकैती की इतला दी गई। खातून एमएनए आयशा रजब की भी पुलिस को कॉल, नामालूम अफराद के घर में घुसने की कोशिश की इतला दी गई। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की खातून एमएनए को हिरासा करने के इल्जामात की तरदीद, कहते हैं कि किसी को हिरासा नहीं किया। खातून एमएनए ने 3 बार कॉल करके फैसलाबाद में पार्टी की तंजीम साजी पर मुशावरत के लिए बुलाया। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर तशद्दुद का मामला, वजीर आजम के मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं तलाल चौधरी की जानिब से खातून एमएनए को हिरासा करने का वाकया अफसोसनाक है। वाकये से नून लीग का असल चेहरा बेनकाब हो गया। हुकूमत खातून एमएनए को तहफ्फुज फराहम करे। तोशाखाना रेफरेंस, नैब ने नवाज शरीफ की जायदाद पर असासों की खोज शुरू कर दी। नैब ने एलडीए और दीगर महकमों को खतूत लिख दिए। नवाज शरीफ की जायदादों, गाड़ियों, बैंक अकाउंट से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली गई। लाहौर में 1550 केनाल से जायद अराजी की दस्तावेजात भी मांग ली गई। नवाज शरीफ के जेरे इस्तेमाल मर्सिडीज, लैंड क्रूजर, 2 ट्रैक्टर्स का भी रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास, शहबाज शरीफ की मुमकिना गिरफ्तारी और बाद की सूरतेहाल पर मुशावरत। सदर मुस्लिम लीग नून कहते हैं कि नून लीग को नैब गर्दी का निशाना बनाया जा रहा है, इमरान खान उन्हें जेल में भेजना चाहते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि नून लीग के खिलाफ नैब गर्दी की नई लहर शुरू कर दी गई। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में प्री पोल धांधली करना चाहती है। हुकूमत मनपसंद अफराद को लाने के लिए अपोजिशन के हाथ पांव बांधना चाहती है।